तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर क्राफ्ट एंड सेंसेस स्काई ब्लॉग वीडियो। तो लास्ट वीडियो में जैसे कि तुम लोगों ने देखा ही होगा कि हमने अपने लिए बना लिया था एक सुपर कॉम्पैक्टर। उसके बाद से मैंने ज़्यादा खेला नहीं है बिकॉज गेम तो अपडेट हो गया था मेरा, बट सर्वर नहीं अपडेट हुआ था, तो यही था रीज़न मैंने ज़्यादा ना खेलने का। तो आज हमारा गोल रहने वाला है कि हम अपने लिए काफ़ी सारे मिनियन के स्लॉट्स अपग्रेड कर पाएँ। मेरे को 17 और यूनिक मिनियंस चाहिए जिससे मेरे और एक स्लॉट खुल जाएगा मिनियन का। मेरे अभी अगर मैं दिखाऊं तो मैं कितने हैं, मेरे अभी बस 9 मिनियन स्लॉट्स हैं। मेरे को इसमें फिर से हर चीज़ डालना पड़ेगा। तो मैं बोल रहा था कि मेरे पास बस 9 मिनियन स्लॉट्स हैं एंड मेरे को काफ़ी सारे और चाहिए। एंड जैसे कि तुम लोग देख ही सकते हो कि मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी तरह के मिनियन पड़े हुए हैं, तो इसमें से ज़्यादातर फार्मिंग वाले मिनियन हैं। एंड मेरे पास काफ़ी तरह के मिनियन की रेसिपी आ रखी है। अगर मैं तुम्हें कलेक्शन में दिखाऊं, फार्मिंग को छोड़ते हैं, माइनिंग में मेरे काफ़ी सारी चीज़ें अनलॉक हो गई है, इसलिए मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें आ चुकी है। तो मैं अभी ऑब्जीडियन एंड आइस का तो बना ही लूँगा माइनिंग में। ऑब्जीडियन एंड आइस का बनाने के बाद जितना भी माइनिंग के मिनियन है वो सारे पूरे हो जाएंगे। एंड उसके बाद मेरा बचेगा कॉम्बैट, क्योंकि कॉम्बैट में मैंने कुछ भी नहीं किया। तो फोरेजिंग में सबसे पहले मैं बनाने वाला हूँ जंगल मिनियन, जैसे कि तुम देख सकते हो। पहले मैं जंगल लॉग का मिनियन बनाऊंगा क्योंकि यहाँ पे तुम्हें 5000 जंगल लॉग पे तुम्हें जंगल एक्स मिल जाती है, जो कि एक हिट में बहुत सारे लॉग्स को तोड़ सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा सही होगा मेरे लिए बाकी फोरेजिंग मिनियन बनाने के लिए। पर उसे अभी छोड़ते हैं एंड अभी अपने पॉइंट पर आते हैं। आ गया पॉइंट, ठीक। तो अभी अपने पॉइंट पर आते हैं, तो हमें बनाने अपने लिए काफ़ी सारे कॉम्बैट वाले मिनियन करने चलते हैं पहले। तो सबसे पहला अपना मिनियन होने वाला है स्केलेटन मिनियन, जिसके लिए मेरे को काफ़ी सारे बोन्स चाहिए। मेरे पास थोड़े से तो पड़े हुए हैं पर मेरे को थोड़े से और चाहिए, तो मैं जल्दी से इन्हें कलेक्ट करके मिलता हूँ। तो ओके, मेरे पास काफ़ी सारे बोन्स आ चुके हैं स्केलेटन मिनियन बनाने के लिए। एंड जब तक मैं स्केलेटन मिनियन का काम कर रहा था, तब तक मैं थोड़े से गन पाउडर कलेक्ट कर लिया जिससे मैं क्रीपर मिनियन भी बना पाऊँ। तो चलो आते हैं। अब स्केलेटन मिनियन दिखा रहा है, चलो बना ही लेते हैं फिर। मिनियन आ गया एंड ओके ओके, क्रीपर मिनियन आ गया, लेट्स गो। हमें बस 15 और मिनियंस बनाने हैं, बस 15 और मिनियंस बनाने हैं जिससे हमारा एक और मिनियन स्लॉट अनलॉक होगा। पर कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए चलो हम लोग अभी बनाने जा रहे हैं अपने लिए जॉम्बी मिनियन एंड स्पाइडर मिनियन हम बनाएंगे, ठीक है। स्पाइडर मिनियन की रेसिपी मैं देख लूँ बस। स्पाइडर मिनियन के लिए तुम्हें स्ट्रिंग चाहिए, दैट इज सो फ्रीकिंग नो। तो जल्दी से जाते हैं बनाने। विलेज फर्टाइल वैली, तुम लोग सोच रहे हो फर्टाइल वैली क्यों जा रहे हो? अभी देखो, यहाँ पे जैसे ही तुम स्पॉन होगे तुम्हारे पीछे एक ब्रिज होगा, यहाँ से तुम अगर जाओगे स्पीड में बिल्कुल, यहाँ पे तुम्हें ग्रेवयार्ड आ जाएगा। जस्ट कम एट ग्रेवयार्ड बाई टीपिंग बिना किसी वीआईपी रैंक के। ओके, थोड़ी देर ग्राइंड करने के बाद मेरे पास काफ़ी सामान आ चुका है अपने स्पाइडर मिनियन एंड ज़ॉम्बी मिनियन के लिए। एंड स्पाइडर मिनियन, दोनों मिनियन आ चुके हैं हमारे पास एंड हमें बस 13 मिनियन और चाहिए अपने एक मिनियन स्लॉट अनलॉक करने के लिए। इसलिए मैं जाने वाला हूँ अभी द पार्क, ठीक है, क्योंकि द पार्क में बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है ग्राइंड करना। एंड चलते हैं अब द पार्क जंगल जोन ऑफ कोर्स। ओके सर, जस्ट रियलाइज कि जंगल एक्स बहुत कम में हाउस में मिल रही है, तो मैं जल्दी से यहीं से खरीद लेता हूँ बिकॉज इतना ज़्यादा ग्राइंड मेरे से नहीं हो रहा, मैं बता दे रहा हूँ। एंड हाँ, और एक चीज़, मेरे पास ऑलरेडी 345 के पड़े हुए हैं बैंक में, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं आई गेस। बहुत अच्छा नहीं है वो, बट स्टिल काफ़ी अच्छा है क्योंकि
हमने कुछ दिन पहले ही शुरू किया है ना, जा रही थी एक दे रही है परचेज एंड देयर वी गो। एंड मेरे पास जो भी एन्चांटेड कॉबल स्टोन पड़ा हुआ है मैं अभी उसे ऑक्शन में डाल देने वाला हूँ, बिकॉज अगर वो बिक जाएगा तो काफ़ी अच्छा होगा अपने लिए ही। बाय इट नाउ एंड होना चाहिए। यस लेट्स गो। मैं इसे 55K के लिए रखने वाला हूँ क्योंकि एवरेज प्राइस यही है। एक्चुअली 60K के लिए जाता है बट मैं 55 इसलिए रख रहा हूँ जिससे लाइक लोग अच्छे से खरीदे। 2 दिन के लिए रख देते हैं क्योंकि इसकी डिमांड ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए 2 दिन रख दिया मैं। ऑप्शन 5 5000 14 एंड लेट्स गो। एंड अब अपने काम पे अपन कंटिन्यू कर सकते हैं, बस पार्क में जाना है एंड जंगल जू। जल्दी से बना लेते हैं अपने लिए एक जंगल वाला वाला मिल एंड बाकी सबको करके डाल देंगे, फिर बीच में ये डाल देंगे, फिर से बीच में ये डाल देंगे, ये बनेगा जंगल लॉग 3 तक तो मैं बना ही लूँगा मिनी। एंड आई होप और मैं अपग्रेड कर पाऊँ, नॉट श्योर कि कर पाऊँगा या नहीं, बट स्टिल लेट जस्ट ट्राई बिकॉज व्हाई नॉट, है ना। ओके ये ओक लॉग है, मैं ओक लॉग रख दिया गया यहीं पे, ठीक है। जंगल लॉग 4, जंगल लॉग 5 तो मैं कोई भी तरीके से नहीं बना सकता, आई एम रियली श्योर। एंड मेरे को 9 और मिनियंस चाहिए और मिनियन स्लॉट अनलॉक करने के लिए। एंड मैं और एक चीज़ तुम लोगों को अगर दिखा दूँ, मैंने 2 दिन के लिए ऑप्शन में रखा था एंड मुश्किल से अभी 15 मिनट भी नहीं होंगे एंड एक बंदे ने दोनों स्टैक्स को खरीद लिया है, तो लेट जस्ट कलेक्ट इट। एंड हमारे पास इजी मनी 110 के आ चुका है, जल्दी से इसे बैंक में डाल देते हैं जाके एंड चलते हैं। अब अपने लिए एक बर्च का मिन बना लेते हैं। हाँ अगर तुम लोग मेरी आवाज़ देख समझ के पता नहीं लगा सकते हो कि मैं कितना टायर्ड हो चुका हूँ अभी यही करते हुए, तो मैं तुम्हें बता दूँ मैं बहुत टायर्ड हो चुका हूँ, तो मैं बस बस वाला करूँगा एंड आज के लिए इतना ही रखूँगा एंड डे 2 से शुरू करूँगा डायरेक्ट। ओके सो इट्स डे 2 एंड मैंने अभी जस्ट अपना ओक मिनियन अपग्रेड किया एंड मेरे को बोला यार है बस 5 और यूनिक मिनियन बनाने हैं, तो मेरा एक मिनियन स्लॉट अनलॉक हो जाएगा, सो दैट्स रियली ग्रेट। तो चलते हैं फिर से ग्राइंडिंग पे। ओके तो मैं अभी एक बंदे के आइलैंड पे आया हूँ जो कह रहा था उसे स्प्रूस डार्क बर्च अकेशिया स्पाइडर काउ शीप मिनियन एंड सुअर केन मिनियन है जो कि वो खरीद रहा है, इसलिए मैं जाने वाला हूँ इसके पास। छोड़ो भाई उसके पास बाकी। ओके ये आ गया, ये मेरे पास आ गया, नाइस ये अच्छा बंदा है। ये ले तेरा काउ मिनियन, ये ले तेरा शीप मिनियन, ये ले तेरा बर्च मिनियन, ठीक है चलो ले ही लेते हैं आई गेस, बुरी डील तो नहीं है, ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बस। ओके सो आई एम बैक विथ सम डार्क ओक लॉग्स एंड लेट जस्ट मेक इट नाउ। अगर केन मिनियन इधर आ गया
ओके, तो फाइनली हमारा एक मिनियन स्लॉट इंक्रीज हो चुका है एंड हमें 24 और मिनियन बनाने एक और के लिए, लेकिन एक और मिनियन स्लॉट अपग्रेड हो चुका है, सो लेट्स गो गाइस, लेट्स फकिंग गो। मैं कौन से मिनियन को प्लेस करूँ मेरे को समझ नहीं आ रहा है, बस मेरे को मन कर रहा है जॉम्बी मिनियन को प्लेस करने को, क्योंकि हमारे पास अभी एक भी कॉम्बैट वाला मिनियन नहीं है ना। तो मैं यहाँ पे जल्दी से एक एरिया एक्सपैंड करता हूँ एंड फिर मैं तुम लोगों से मिलता हूँ। ओके, सो आई एम डन विद द बिल्ड एंड दिस इज दैट। आई नो ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है पर मैंने अपना पूरा ट्राई किया, इसलिए वीडियो पे एक लाइक छोड़ देना। ओके, तो ये अभी काम करेगा अच्छे से, आई होप, और अच्छे से काम करेगा कि, बट या लेट्स जस्ट कीप इट लाइक दैट एंड फिर से चलो ग्राइंडिंग पे। ओके, सो लेट जस्ट मेक आर आइस मिनियन, बीच में रखेंगे आइस मिनियन। अगर तुम विलेज में जाओगे फिर तुम विलेज सेंटर में जाओगे, तुम्हें ठीक इस तरफ देखना है ना, सब सिलेक्टर की तरफ। एंड तुम जैसे ही एरोन द गाइड के ऊपर आओगे, तुम्हें जिस चीज़ की रेसिपी देखनी है कि उससे क्या क्या बना सकते हो, जैसे मेरे को आइस मिनियन से क्या क्या बना सकते हैं वो देखना है। मैं इससे आइस मिनियन पकड़ के हाथ में क्लिक करूँगा तो ये दिखा रहा है इससे आइस मिनियन 5 बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ, 16 पैक्ड आइस चाहिए, मतलब ये कितने स्टैक्स हो गए, 2 स्टैक्स ऑफ पैक्ड आइस चाहिए मेरे को। एंड अगर मैं यहाँ पे बना लूँ कितना चाहिए, मैं आई हैव नो आइडिया कितना बन जाएगा मेरा अभी पैक्ड आइस। तो जैसा कि तुम देख सकते हो मेरा ज़्यादा तो नहीं बना, बट या तो मैं अभी फिर से जाके थोड़ी देर माइनिंग करने वाला हूँ जिससे मेरा थोड़ा सा और बन जाए। ओके, तो अब मैं बना सकता हूँ आइस मिनियन 5 जो कि मैंने बना लिया है, एंड मेरे को बस 7 और मिनियंस यूनिक वाले चाहिए जिससे मेरा एक और मिनियन स्लॉट अपग्रेड हो जाएगा। एंड आई हैव लिटरली नो आइडिया कि क्या मिनियंस बच रखे हैं एंड मैं अभी क्या बना सकता हूँ। मैं सोच रहा हूँ 2 स्टैक एन्चांटेड डायमंड बेचाऊँ क्योंकि उसका कोई काम नहीं दिख रहा है मेरे को। एंड हाँ, अगर तुम लोग सोच रहे हो मैं इतने सारे एन्चांटेड आयरन इंगट का क्या करूँगा, तो मैं जाने वाला हूँ एक और गोलम स्वॉर्ड के लिए जिसे मैं अपने ऑक्शन में पुट अप कर दूंगा, जिससे ऑलमोस्ट 160K या 170K के आसपास ये बिक जाता है। सो या दैट्स रियली ग्रेट। अभी मैं इसे बेच के आता हूँ जल्दी से। ओके, देयर वी गो, लेट्स सी ये टोटल कितने का बिकेगा। एंड ओ माई गॉड, ये 163K का ये है, माई फ्री किडी की गॉड, व्हाट द हेल। मैं इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था इससे, बट या तो जल्दी से अब जाके इसे बैंक में डाल देते हैं। 163K, ओ माई गॉड ब्रो, ओ माई गॉड, हमारे पास 600K हो चुके हैं। हमने 500K बहुत पहले हिट कर लिया था, बट हमारा 600K हो चुका है फाइनली, लेट्स गो। एंड देयर वी गो विद अनदर गोलम स्क्वाड। ओके, सो अभी ऑक्शन पे डाल देते हैं। ये ऑलमोस्ट 250K का जाता है लेकिन मैं 200K का डाल दूंगा क्योंकि मैंने इसे एनचांट नहीं किया है। 190K का डाल देते हैं जिससे जल्दी से बिक जाए ये। क्रिएट ऑक्शन, 2 डे के लिए डाल देते हैं, पता नहीं कितने टाइम में बिक जाए, पता नहीं कितने टाइम में बिक जाएगा, लेकिन मैं 2 डे के लिए डाल देता हूँ। ओके, ओ माई फ्री केडी, मेरे को अभी प्लेस किए हुए देखो, तुम देखो बस, मैं थोड़ा सा अगर ऊपर जाऊं, यहाँ पे मैंने प्लेस किया है एंड किसी ने ऑलरेडी खरीद भी लिया। ओ माय गॉड, लेट जस्ट टेक इट ऑलरेडी, आज हमारा बहुत सारा प्रॉफिट हो गया है, लेट्स गो। 190K इन द पॉकेट बहुत इजीली, लेट्स फ्री की डी की गो ब्रो। ये बन गया स्वीट मिनियन अपना, स्वीट मिनियन 2 आ, फोर कोर्स नहीं बना सकते, हमें बस 2 और यूनिक मिनियन चाहिए अपना एक और अनलॉक करने के लिए मिनियन स्लॉट। एंड आई हैव लिटरली नो आइडिया मैं क्या करूं, बट आई कैन डू वन थिंग, अगर मैं कोल मिनियन को 2 बार अपग्रेड कर दूं तो क्या हो जाएगा। यस, लेट्स फ्रीकिंग गो, 11 स्लॉट्स।